कुमकुम भाग्य। देखो हमको भी तो तसल्ली होना चाहिए ना कि हमारे बच्चा लोग है किधर। अब छुटका छुटकी अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। हाँ तो दिमाग खराब हो गया, कोई और चारा नहीं है तुम्हारे पास। चुपचाप के कपड़े पहनो और जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो देखो हमको मारो और मत समझी। चारा वारा तो सब है हमारे पास। थोड़ा देर पहले हमको एक रास्ता भी मिल गया। इस दुनी को एक बार सूंग बच्चा, सब होगा अच्छा ही अच्छा। ऐसा लग रहा है इंद्रलोक की सैर कर रहा हूँ। सुरूर आ रहा है। इस विक्रम से इतना सा काम नहीं हुआ, उस खान की बॉडी को ढंग से ठिकाने नहीं लगा सका। ये सब उस प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। मेरी अभी से बड़ी दुश्मन वो है। I'm sorry. अभी से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। You're on my hit list. तुम जितना कहा है ना बस उतना करो समझी। तुम चुपचाप भाई के कमरे में जाओ, उसे ढूंढो, किसी ड्रिंक में ये दवाई मिलाकर पिलाओ, उसे बेहोश करो और उसको बेड के नीचे कर दो। और जब दादी वापस आएंगे तब हम प्रज्ञा के साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए और वो आता भी होगा। प्रज्ञा को अभी कुछ मत बताना मेरी वसीयत के बारे में। ये सब मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ। कहाँ गई होगी प्रज्ञा? वेल कहीं भी गई हो, मेरा काम तो आसान हो गया। जल्दी से ये दवाई उसके पानी में मिला देती हूँ। बस प्रज्ञा ये पानी पी ले। इस प्लान में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ताकि इस बार की होली अभी सिर्फ मेरे साथ खेले। बाय बाय प्रज्ञा, तुम्हें तो बेहोशी की दवाई की जगह जहर देना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देना चाहती। मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब मैं तुम्हें मरते हुए नहीं हारते हुए देखूंगी। और आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से हराऊंगी जब प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम नहीं मुन्नी साइन करेगी। अरे ये प्रज्ञा तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, अब हम क्या करें? एक मिनट, नहीं क्या हुआ? क्या हुआ कि वो वंबस वंबस क्या? बाथरूम नहीं जाना तुम्हें? नहीं देखो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पेशेंस को टेस्ट करती रहो समझी। तुम मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, ऊपर से तुम यहाँ पर लटक के जा रहे हो। जाना है कि नहीं जाना तुम्हें? ये सब तो बहुत जल्दी हो रहा है, मुन्नी तो आ भी गई, अब मैं उस कमरे में कैसे जाऊँ? देखो मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, ड्रामा बंद करो, चलो अंदर। नहीं कहा हुआ कि उधर लग रहा था कि जाना है, लेकिन अभी गुरगुर नहीं हो रहा है तो टॉयलेट कैंसिल। चलो ऐसे कैसे? आर यू श्योर? श्योर। क्या कर रही थी तुम? मैं गिर जाती तो? क्या कर रही थी मतलब? मैं तो तुमको बुला रही थी, तुम सुनी नहीं रही थी। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मेरे बारे में सोच रही थी ना? मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूंगी? नहीं सोच रही थी, मेरे को लग रहा है मैं सबका मन का बात सुन रही। अच्छा हुआ तुमको नहीं सुनाई थी। क्या सुनानी और क्या सोच रही थी तुम? नहीं सोच रहे थे कि तुम कश्मीरी सेब बन के आई थी, लेकिन अभी तो पिचका हुआ टमाटर हो गई। इसको ना देखने का मन करता है
न खाने का। देखो तुम देखो, तुम क्या थी, क्या बनना चाहती थी और क्या बन के रह गई। कहाँ तुम सुपर मॉडल थी, अभिषेक मेहरा की बीवी बनना चाहती थी और बन के रह गई आलिया की चमची, प्रज्ञा की सौतन। लेकिन तुमको सौतन भी कहने का मन नहीं करता है। तुम तो जीवन में तनु बन जाओ तो बहुत है। UBWXYZ सब पता है मुझे, मुझे मत सिखाओ। और सुनो, ऐसा किसी को ढूंढो जिसको पुराना मॉडल पसंद हो। मेरे सामने ना पुराना दाल गलेगा नहीं। जाने दो, मुझे बहुत काम है, हटो। बहुत मजा आ गया आज, इतना दिन बाद गोरा चुड़ैल को सुना दिए, दिल ही खुश हो गया एकदम। वो आइला का प्लान का था? चुपचाप छुपा लो, ये लो, संभाल के रखो। ये क्या है? नशे की दवाई। ये गिलास, गोरी चुड़ैल जरूर अपना काम करके गई हो, तभी पत्ती से दिखा रही थी। इसी गिलास में होगा। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट? एक्चुअली ये गिफ्ट मुझे उसी वक्त दे देना चाहिए था, लेकिन बुद्धू ना मैं, देर हो गई, लेकिन अब दे दूंगा पक्का। क्या तुम ऐसे लटक कर रहे हो? हे भगवान, हमारी लाज बचा लो। क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? दादी। हाँ है दादी, यहाँ नहीं है, बुला रही है, बुला रही। ठीक है ना दादी, रुक जाएंगी दो मिनट। ये टाइम से जो गिफ्ट पेंडिंग है वो तो देना ही पड़ेगा ना। अरे दुर्घटना से देर भला होता है, जहाँ इतना रुके हैं थोड़ा सा और रुक जाइए ना। दादी का नहीं, प्रज्ञा का तो इंतजार कर लीजिए। पास की नहीं आ रही हो तुम, पास हो? पास है। सुबह को बटन लगाते हो तो बड़ी चिपक रही थी, अब क्या हो गया? अजब, तुम इस तरह मेरी आंखों में देखती हो ना, तो लोनावले का बंगला याद आता है। बंगले में ससुर का हुआ था? I'm so glad कि हमारे प्लान का पहला लेवल क्लियर हो चुका है। प्रज्ञा का तो काम हो गया, अब बस हमें इस मुन्नी पर कॉन्सेंट्रेट करके इसको बाहर लेकर जाना है और अपने प्लान को फॉलो करना है। प्रज्ञा तुम्हारे सामने खड़ी है और प्लान तुम्हारा नहीं, प्रज्ञा का चल रहा है, जो तुम्हारी हार पे खत्म। नरेन, मैं हर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें और इस घर को मेरी बेटी को अपनाना होगा, वो भी पूरे सम्मान और अधिकार के साथ। दरिंदे क्या कर रही है इस बच्चे के साथ? ये तो नींव का कंचा है, मतलब ये नींव है। लेकिन अब तो पक्का है कि नलिनी यहाँ और कुछ करने आई है। इसके पहले ये पता करना होगा कि नलिनी ने उस बंदे को दिया तो क्या दिया। पेशेंट को आराम करने दीजिए, और वैसे भी ये कुछ नहीं बोल सकती। क्यों? बिकॉज शी इज पैरालाइज्ड। बस तुम्हें जाना ही है। क्यों? हमारी मेहंदी की पार्टी है। सुना तुमने? तुम्हारी और शर्जन की मेहंदी की पार्टी है, इसलिए कुछ नहीं सुनना, आज तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना ही है। चुमकी यहाँ है, चुमकी के हाथ पे एक निशान था, उनमें से किसी औरत के हाथ में वो निशान है। देखिए मुझे आप तीनों के चेहरे देखने, हाथ देखना। घर में कांड करके फिर से चुपचाप घुसाई तू, अपना चेहरा।